दोस्तों, अगर मॉड्यूलर किचन का घर पे काम लगवाया है तो ये वीडियो देखे बिना अगर काम करवाओगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा लग सकता है, सही से आपकी मॉड्यूलर किचन नहीं भी बन सकती है। और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलर किचन बनाते समय क्या गलतियां होती हैं, कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, कैसे सस्ती बनेगी, कैसे खर्चा कम कर सकते हो, और मतलब 30 से 40 बातें बताने वाला हूँ। वीडियो बनाते बनाते थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐड करनी थी, मटेरियल, सिंक। मैं सिंक के लिए ही आपके 6 से 7 मिनट ले लूँगा कि आपको अपने रूम में मतलब किचन में कौन सी सिंक लगानी चाहिए, क्योंकि सिंक खराब हो गई लीकेज ना उससे अच्छा दिखता है। अगर सिंक अच्छी होगी तो काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। पहले मैं मटेरियल और काफ़ी चीज़ें बात कर लूँगा कि आपको कौन सी लगानी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, फिर सिंक की बात करूँगा, फिर मैं बात करने वाला हूँ कैसे खर्चा कम करना और खर्चा कितना आएगा। तो फुल ऑन वीडियो है मॉडल किचन पे, तो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद मॉडल किचन का काम लगवाओ या अपने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को समझा दो, और दुकानदार से जब सामान लेने जाओगे ये चीजें उसको बताओगे तो वो आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो है, मोस्टली जो हमारा दिक्कत आती है, जो हम इसमें जालियां यूज करते हैं, SS की स्टेनलेस स्टील की जाली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी धोखाधड़ी हो जाती है। इसमें भी आपको चीज़ें चेक करनी होती है। कंपनी तो चेक करनी है, पता कर लीजिए आपके एरिया में कौन सी कंपनी के अच्छे स्टेनलेस स्टील की जालियाँ आ रही हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइप की आती हैं, 4 इंच 6 इंच 8 इंच, तो वो अलग वीडियो रहेगी। तो उसमें आपको कंपनी यूज़ करनी करनी है, लेकिन उसमें आपको ग्रेड देखना है, आपको ग्रेड देखना है स्टेनलेस स्टील का। ग्रेड दो जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, 202 ग्रेड और 304 ग्रेड। तो जो ग्रेड आपको जाली में यूज करना है वो हमेशा आपको 304 ग्रेड ही यूज करना है। कौन सा? 304 ग्रेड। ये ग्रेड वो रहता है, इसमें अगर पानी वानी भी लगेगा तो आपकी जाली में रस्ट या क्रोजन नहीं लगेगी। अगर आप 202 ग्रेड यूज करते हो वो जालियां आपको सस्ती मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपका रस्ट वगैरह लग जाती है। तो आपको 303 ग्रेड यूज करनी है। ये पहली बात है जब भी आपको घर की मॉड्यूलर किचन की कंस्ट्रक्शन करवानी है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है, वो आपको देखना है कॉन्ट्रैक्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप यूज करोगे, मतलब जो आपका क्या करेगा, जो आपका मार्बल लगाएगा पहले, या जो आपका बोर्ड वगैरह, जो मतलब शटरिंग फिक्सिंग का काम करेगा, कारपेंटर, मार्बल वाला भी और कारपेंटर, वही चूज करना है आपको जिसने पहले वर्क किया हो। मतलब आपको देख लेना है, आपके एरिया में पता चल जाएगा किसी के घर पर किचन की, इस आदमी ने ये किचन की, तो आपको वो पहले देख लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। इसमें होती क्या है धोखाधड़ी, कोई भी जो मार्बल वाला रहेगा या कारपेंटर रहेगा, वो आपको बोल देगा नहीं जी मैं करता हूं मॉड्यूलर किचन का काम, क्योंकि हालांकि सबको मॉड्यूलर किचन का काम नहीं आता। ये मत सोचना कोई भी मार्बल वाला, कोई भी कारपेंटर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं बना देगा, काम शुरू कर देगा, आपको बीच में फंसा देगा, काम को उल्टा सीधा कर देगा। कारपेंटर मार्बल वाले पे डालेगा कि उसकी गलती थी, और मार्बल वाला मिस्त्री पे डालेगा कि उसने गलत किया था। ये सब चीजें चलती रहती हैं, और बीच में पिसता कौन है? पिसते हो आप, आपका पैसा वेस्ट होता है। क्योंकि इसकी अगर हम मटेरियल की बात करें, जो इसका मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। कारपेंटर के लिए जो मटेरियल लगेगा या मार्बल में जो मटेरियल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आपको हमेशा चूज़ वही कॉन्ट्रैक्टर करना है जो एक्सपीरियंसड हो, पुराना देख लेना है उसका काम, फिर ही उसको हायर करना है, सब बातें क्लियर करके। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है जो वही फिटिंग की है, जो चैनल यूज़ आपको करने हैं। चैनल में क्या होता है, कंपनी तो आपको देख लेनी है, हिंदवेयर है, जो भी कंपनी आपके एरिया में अवेलेबल है, कंपनी हमेशा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होती हैं। अगर सस्ते में यूज़ करोगे थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाएंगी। तो 20 इंच का मोस्टली हमारा चैनल यूज़ किया जाता है, जिस पे SS जाली दौड़ाई जाती है। उसमें भी दो टाइप के चैनल आते हैं, कि ले वाले होते हैं, आपने देखा होगा जैसे आप बंद करते हो जाली को, तो थोड़ा लास्ट में कोई 2 इंच तक वो अपने आप अंदर चला जाता है। मेरे ख्याल में वो क्या होता है, डबल रेट होता है बाकी वालों से। तो वो अगर चूज करते हो तो देख लेना, आप अच्छी कंपनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल में सिंपल में जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल वाला चैनल जो आता है वो 300 से 350 में मिल जाएगा, और ले वाला जो चैनल रहता है वो रहता है आपका 600 से 700 रुपये में रहता है, वो डबल खर्चा उसमें पड़ जाता है। तो ये आपको चूज़ करना है, इसमें से कौन सा यूज़ आपको करना रहेगा।
अगली चीज आपको यूज करनी है जो प्लाईवुड आप यूज करने वाले हो, बोर्ड जो जिसकी आपकी ऊपर वाला कपबोर्ड बनता है, जो पार्टीशंस बनती हैं, पूरा बोर्ड बनेगा जो 12 इंच का रहता है हमारा छोटा सा ऊपर, तो उसमें जो आप प्लाईवुड यूज करने वाले हो, तो एक आजकल मार्केट में क्या है, जो प्लाई रहती है एक तरफ से आपकी वाइट रहती है, दूसरी तरफ से सिंपल उस पर आप जिस कलर का भी माइका या एक्रिलिक शीट जो भी आप चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हो। तो वो आपको मेरे ख्याल में वो बोर्ड जो वाइट रहता है वो बोर्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल प्लाईवुड आती है किसी भी कंपनी की, ग्रीन प्लाई की ले लीजिए, वो 20 से 22 साल की गारंटी देते हैं कि अगर कहीं से भी ये फूली तो हम रिप्लेस करके देंगे, दुगना पैसा देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लाईवुड लेनी है प्लेन, वो एक तरफ जिसके वाइट होता है वो मत लीजिए, दूसरी सिंपल लीजिए और दोनों तरफ उसको माइका चढ़ा लीजिए, अंदर की तरफ वाइट माइका चढ़ा लीजिए, बाहर की तरफ जो भी कलर आपको चाहिए, और कलर सिंपल कोई भी आप ब्लैक कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, या मिक्स में आप पैटर्न डाल सकते हो, वो आप पे है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगली चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो किचन है आपकी उसको डिज़ाइन करवा लेना है। कोई भी आपका पहले जान तो आप किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा लीजिए, भले आप आर्किटेक्ट या थोड़े लोअर एरिया में रहते हो गाँव वगैरह में, तो वहाँ क्या करते हैं जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वही डिज़ाइन करते हैं। तो मैं मस्ट आपको कहूँगा पहले उसको एक स्केच बना के दिखा दीजिए, या उसको बोलिए कि हमें कुछ ऐसी किचन चाहिए जिसमें ये पार्टीशन रहेगी, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, पूरा पहले एक प्रिंट आउट होना चाहिए उसके बाद काम। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे कहा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, हम बना देंगे और अपने से वो बनाने लग पड़ते हैं, उनको आइडिया कुछ नहीं होता, एक जैसे पैनल बना के रख देंगे, वो अच्छे नहीं दिखते हैं, वो मतलब आप खर्चा भी करने जा रहे हो, और अगर उसमें कोई आपको पैटर्न नहीं दिखता है, कुछ बीच में मिरर वाले होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो मॉड्यूलर किचन का वही है कि आप हर चीज़ मॉड्यूलर वे से कर रहे हो, नाम में ही मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर वे से ही हर चीज़ होनी चाहिए। तो उसका डिज़ाइन ज़रूरी होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, किसी भी किचन को डिज़ाइन करने के लिए 2,000 से 3,000 रुपये खर्चा आता है, तो वो कर लीजिए, जहाँ आप पिक्स के थ्रू आप अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को दिखा सकते हो कि हम इस तरीके से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसके कब्जे होते हैं, इन कई जगह डड्डू कब्जे भी उनको बोला जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये डड्डू कब्जे जब फिक्स किए जाते हैं इसमें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंपनी तो देखनी है, क्योंकि जो स्टील यूज़ किया जाता है, छोटी कंपनी आपको ये कब्जा 150 से 200 रुपये में दे देगी, ठीक है, 150 से 200 रुपये में एक कब्जा आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो खोलने, ओपन, बंद करने से वो खराब हो सकता है। मोस्टली मॉड्यूलर किचन में दिक्कत कहाँ आती है, जो डड्डू कब्जे यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं, तो आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है और देखना है, क्योंकि आगे इसको लगते हैं 2 स्क्रू, पीछे लगते हैं 4 स्क्रू, वो 6 के 6 स्क्रू लगे होने चाहिए, और कईयों में 2-2 स्क्रू रहते हैं, आगे 2 पीछे 2, वो कभी नहीं ध्यान, वो चीज़ें नहीं करनी है। और कभी भी इसको बंद करना है जब आपको, तो इसको फोर्सली बंद नहीं करना है, आपको इसको छोड़ा धक्का देके छोड़ देना है, बाकी काम खुद डड्डू कब्जा कर देता है, ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और डड्डू कब्जा फिक्स करते टाइम इसमें भी काफ़ी, अगर मैं टेक्निकली समझाऊँ, 0 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, तो आपको 0 नंबर यूज़ करना है और फिक्स प्रॉपर से करवाना, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होती है। एक लोग एक चीज़ में उधर फंस जाते हैं, वो है ग्रेनाइट, जो ऊपर ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसमें ग्रेनाइट में काफ़ी टाइप्स आती हैं, आप किसी भी कलर के साथ जा सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर की अपनी ग्लॉस होती है, अपने देखने में अच्छा लगता है, तो उसमें एक दिक्कत आएगी आपको, आप वहाँ देखने जाओगे तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती लोगों से हो जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आता है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखने में काफ़ी सुंदर, एकदम मतलब इटालियन की तरह लगेगा आपको, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले दिन से ही स्क्रैच आना शुरू हो जाते हैं, वो आपको कुछ 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलेगा, लेकिन उसमें आपको स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना, आप उसको बाद में वो मतलब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट क्या हो गया, एक टाइल की तरह होगा, बस थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, तो आपको नॉर्मल ग्रेनाइट लेना, वो सस्ता भी होता है, 180 से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, नॉर्मल ग्रेनाइट लीजिए, वो दिखने में भी अच्छा है, ना उसमें स्क्रैच आते हैं, थोड़े टाइम बाद आप उसको रब भी करवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ग्रेनाइट चूज़ करते समय, ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। अगली चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है वो है पावर पॉइंट, जो भी आपके घर में, देखो पहले पूरा डिसाइड, मैंने कहा था पूरा डिसाइड होना चाहिए, अगर आप कॉफ़ी मेकर लगाना चाहते हो, ओवन लगने वाला है आपका, एयर फ्रायर लगने वाला है, हर चीज का पॉइंट आपको पहले ही काउंटर के पास देना पड़ेगा। देखो आप अगर आपने 2 से 3 पॉइंट दे दिए और चीजें हैं आपकी 4 से 5, तो वो आपको एक को निकाल के दूसरे को लगाने की दिक्कत आ सकती है, तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट काउंटर के पास देने ही देने, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। चिमनी का अलग से रहेगा, उसका अलग से रहेगा, हर चीज का अलग अलग पॉइंट आपको दे देने,
ये पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा काउंटर बनने से पहले या किचन बनने से पहले, जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उसी दौरान आपको पॉइंट वहां रखवा देने हैं, ठीक है। ये भी है। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंक का साइज। सिंक का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जिस हिसाब की आपकी किचन है, देखो किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले, भले रोड को डिजाइन करने से पहले या ब्रिज को डिजाइन करने, उसकी देखा जाता है कि कितनी ट्रैफिक या चीजें होने वाली है, वैसे आपको सिंक का साइज भी डिसाइड करना है कि आपका कितने बर्तन होने वाले हैं, किस हिसाब की किचन है। तो आपको हमेशा डबल जो सिंक आती है, जो हमारी काफ़ी बड़ी आती है, 42 इंच बाई 42 की आती है, बड़ी बड़ी इंच रहती हैं, तो उसमें आपको चूज़ कर लेना है कि आपको हमेशा बड़ी सिंक रखनी है, और ऐसी करनी है जिसका ऑफसेट ना हो। अगर ऊपर वो काउंटर से रहती है तो उसके अंदर पानी वगैरह ऑयल वगैरह घुसेगा, वहाँ स्मेल एक गंद रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो सिंक हो सब कुछ प्रॉपर डिज़ाइन से आपको देखनी है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगली भी है, क्योंकि जो भी 15 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी मॉडल किचन को आप बनाने जा रहे हो, तो ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट नहीं देगा, तो आपको ये मस्ट देख देना होता है। तो जो स्टैंडर्ड साइज रहते हैं हर चीज़ का, जैसे मैंने कल की वीडियो लाई थी, आपका काउंटर का क्या साइज़ होना चाहिए, आपकी चिमनी का क्या हाइट होनी चाहिए, आपका नीचे जो ऑफसेट है वो कितना रहना चाहिए, आपका काउंटर की शेल्फ कितनी होनी चाहिए, ऊपर जो कपबोर्ड बनेगा उसकी लेंथ कितनी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आपको स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से करना है। ये 10 सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, लास्ट वाली वीडियो देख लेना, पार्ट टू जो था। अगली चीज़ है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करने वाले हो मॉडल किचन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, रेट फिक्स कर लेना है पहले ही उसको, क्योंकि अभी जो हालांकि नॉर्थ में चल रहा है 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इसका भी मेजरमेंट का मैं वीडियो लाऊंगा किस हिसाब से मेजरमेंट होती है, क्योंकि इसमें भी धोखाधड़ी दी जाती है, तो इसकी मेजरमेंट होती है बार-बार से, जो आपका बार-बार से दिख रहा है उसकी मेजरमेंट की जाती है। तो 300 से 400 स्क्वायर फीट इस समय रेट है, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से रेट भी कर लेना है। फिर अगली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो आपको रखनी है विंडो। आपको आपकी भले किचन छोटी है बड़ी है, आपको एक विंडो तो जरूर रखनी है। बड़ी किचन है तो 4x5 फुट की आपकी विंडो रखिए, भले चिमनी लगा रहे हो लेकिन विंडो का अपना काम होता है, तो आपको विंडो मस्ट अपने रूम में रखनी है। अगर बाई चांस कई लोगों का घर क्या होता है चारों तरफ से बंद होता है, तो वहां पर कोशिश करिए एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जहां अंदर के थ्रू पाइप करके आपको एक एग्जॉस्ट रखना पड़ेगा चिमनी के साथ, तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको रखनी है, आपको जो आपकी किचन का जैसे वास्तु के हिसाब से बोलते हैं कि कहां पे रखना है, तो आपको रखना है साउथ और ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आप रखेंगे तो आपकी किचन बेस्ट रहती है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि लोग काफ़ी लोग क्या करते हैं वास्तु भी फॉलोअप करते हैं, तो साउथ ईस्ट के बीच में आप रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपका काउंटर बनता है तो आपका जो किचन का पॉइंट रहता है, तो किचन के जो काउंटर पे ना जो कहाँ जहाँ हम गैस रखते हैं गैस स्टोव रहता है, तो उसको इस हिसाब से गैस स्टोव लीजिए कि पीछे थोड़ी जगह बचे, मतलब कम से कम 1 फीट जगह बचे या आधे फीट जगह बचे गैस रखने के बाद भी, कि आपके जो चूल्हे हैं 3 से 4 चूल्हे हम होते हैं हमारी जो मॉडल किचन में, तो वो सारे चूल्हे काम में आ जाएँ। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जो गैस का पॉइंट होता है, मतलब जो सिलेंडर रखना है, तो हमेशा बाहर का ही पहले ही डिज़ाइन के हिसाब से मॉडुलर किचन कीजिए कि सिलेंडर आप बाहर रखिए, मतलब आपका सिलेंडर का पॉइंट बाहर आए और सीधे अंदर पॉइंट रखा होता है टूटी जैसे, उसमें से लगा के आप गैस यूज़ कर सकते हो। जैसे शुरू में हमने बात की थी SS जाली की, तो जो SS जाली है वो आपको कंपनी की यूज़ करनी है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था क्यों कंपनी की यूज़ करनी है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है अगर आप कंपनी की यूज़ नहीं करोगे, तो उसमें क्या होता है SS जाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से। चैनल, क्योंकि चैनल फिक्स है, मार्बल का ग्रेनाइट पूरा फिक्स टू फिक्स होता है, तो अगर थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो वो आपका चैनल प्रॉपर से नहीं चलेगा और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आगे आ सकती है, आपके चैनल लीक हो सकते हैं तो ख़राब वो देखने को लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, एक काफ़ी गलती हो जाती है लोगों से, जो ग्रेनाइट लगाया जाता है काउंटर पर, तो उसके नीचे जो हमारे वर्टिकल मार्बल की पार्टीशन आ रही है उसके ऊपर एक मार्बल आना चाहिए, उसी के ऊपर ग्रेनाइट आना चाहिए, तो काफ़ी जगह क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं नीचे पार्टीशन देते हैं मार्बल की और ऊपर डायरेक्ट ग्रेनाइट डाल देते हैं, वो आपको नहीं करना है, आपको पार्टीशन देनी है और फिर मार्बल डाल के ऊपर एक मार्बल के लिए डाल के फिर आपको ग्रेनाइट यूज करना है। और जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, जो आपकी वर्टिकल ग्रेनाइट मार्बल लगेगा पार्टीशन की जाती है, तो वो दो यूज करनी है आपको, मतलब जो हमारी 16x16 mm की होती है दो यूज करनी है, बीच में 6 mm की प्लाई उसके यूज आपको करनी ही करनी है।
ये चीज़ भी आपको देनी है ध्यान। और जो सिंक वाला एरिया, हमारी फ्लोरिंग की बात करें, जो सिंक वाला एरिया होता है उसको आपको थोड़ा मतलब आधा इंची आपको डाउन रखना है कि उसमें से जो पानी जाएगा वो आपको पूरे किचन में नहीं जाए, वहीं से नीचे अंदर चला जाए। कि आपको कौन सी किचन सिंक यूज़ करनी है, क्वार्ट्ज की करनी है या स्टेनलेस स्टील की, कौन सा अच्छा ब्रांड है, आपको सिंगल बाउल यूज़ करनी है, डबल बाउल यूज़ करनी है। तो आती है सिंगल बाउल। सिंगल बाउल वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो होगा क्या, मतलब सिंगल बाउल सा होगा जिसमें हम बर्तन धोते हैं। उसके साइज़ की बात हम लास्ट में करेंगे, क्या क्या साइज़ आते हैं इन सबके, इनके ब्रांड के बारे में। फिर आती है डबल बाउल सिंक। डबल बाउल से हमें पता चल रहा है दो बाउल होंगी, दोनों में हम बर्तन धो सकते हैं, ज़्यादा बर्तन के लिए यूज़ हो सकती है। और सिंगल बाउल जो होती है मोस्टली अगर एक दो बंदा घर पर है वही उसको यूज़ करेगा, बड़े घर में सिंगल बाउल से काम नहीं चलेगा, डबल बाउल आपको लेनी पड़ेगी। फिर आती है सिंक जिसमें ड्रेन बोर्ड होता है, सिंक विद ड्रेन बोर्ड, मतलब एक तरफ सिंगल होगा, सिंगल बाउल होगी और फिर ड्रेन के लिए एक जगह बनाई होती है कि पानी बीच में चले जाए, वहाँ बर्तन रख रहे हो, सब्जी रख रहे हो, जो भी है उसमें ही सिंगल ड्रेन वाली, डबल विद ड्रेन भी होती है। तो ये चार किस्म की आपको देखने को शेप्स मिलेंगी इंडिया में। फिर इसी में एक चीज़ और होती है मटीरियल के हिसाब से। मटीरियल के हिसाब से क्या, एक आती है इसमें प्री स्ट्रेस्ड, एक आती है हैंडमेड, एक आती है क्वार्ट्ज। ठीक है, प्रेस्ड कौन सी होगी, हार्डलिक प्रेस की हेल्प से स्टील को मोड़ा जाता है, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, वो प्रॉपर लीकेज के जीरो चांसेस होते हैं उसमें। फिर आती है हैंडमेड। हैंडमेड क्या हो गया, जिस खुद बनाई होती है, उसमें थोड़ा आपको एक दो एमएम दिख भी जाएगा, मोटी होगी वो, थोड़ी कई जगह वेल्डिंग होगी और दिखती है कि वो हाथ से थोड़ा किया हुआ है उसमें काम। एक आती है क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज मटेरियल से मतलब उसमें अर्गलिक रेजिन होता है, उसको मिनरल के साथ की अपलबराइज किया जाता है, वो बनाई जाती है क्वार्ट्ज से, वो ग्रेनाइट की तरह ही दिखती है, उसमें काफ़ी कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ये समझो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद होती है इनको लगाने के तरीके के टाइप। एक आती है टॉप माउंटेड, अंडर माउंटेड, इंटीग्रेटेड। टॉप माउंटेड क्या हो गई, हमारा जो काउंटर है, प्लेटफॉर्म है, वो बन गया है, उसके ऊपर हम सिंक लाके रख देते हैं, वो सामने दिखता है कि ऊपर से जॉइंट दिख रहा है इनका। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लीकेज के सबसे ज़्यादा रहते हैं अंडर माउंटेड में, मतलब जो दिखता नहीं है उसको जॉइंट, वो ग्रेनाइट के नीचे होती है फिट की हुई, उसमें सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो इंटीग्रेटेड सिंक है उसमें भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो खुद हाथ से पूरी जोड़ी हुई है मार्बल वगैरह, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं। ये हम समझ गए कि कितने टाइप की होती है, किस हिसाब से है, क्या नहीं, ये आइडिया लग गया आपको। अब आते हैं मेन इनके मुद्दे पे कि क्वार्ट्ज की लगाएंगे स्टेनलेस स्टील की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि वो इंडिया में आज से नहीं, पिछले कई सालों से यूज़ की जा रही है, क्वार्ट्ज की अभी इंट्रोड्यूस हुई है ये चीज़ें। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। जो SS की आपको लगानी है उसमें दो ग्रेड आपको मिलेंगे देखने को, एक 202 ग्रेड, एक 304 ग्रेड SS का, स्टेनलेस स्टील का। देखो 202 ग्रेड अगर आप लगवाते हो वो सस्ती मिलती है, सिंगल बाउल तो आपको 800-900 इतने में शुरू हो जाएगी, और 304 ग्रेड जो डबल बाउल होगी वो आपको 202 ग्रेड की वो आपको मिल जाएगी 2000-2500 से स्टार्ट हो जाती है और 3000 तक मिल जाएगी। लेकिन आपको मेरे ख्याल में ये यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि 202 ग्रेड में भले सिंगल बाउल है या डबल बाउल है, उसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है, उसमें मिलता है हमें दिक्कत कि उसमें क्रोजन लग जाती है, रस्ट लगने शुरू हो जाती है और वो ख़राब होने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किचन में स्टेनलेस स्टील की सिंक लगाओ आपको 304 ग्रेड यूज़ करना है, कितना, 304 ग्रेड, 304 ग्रेड से कम यूज़ नहीं कर रही है आपको, और ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं दुकान वाले, 304 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए, देख लेना उस पर मेंशन होता है कि ये 304 SS की है, तो वही आपको यूज़ करनी है, उसको ना क्रोजन लगती है। लेकिन कुछ कंपनीज उसमें डुप्लीकेसी देख लेती हैं, कुछ मटेरियल वहाँ 202 ग्रेड का यूज़ कर देती है, कुछ 304 का, तो वो आपको ध्यान देना है खुद ही। बाकी इसमें आपको SS में एक तो साउंड प्रूफ आजकल चली गई हैं कि उनमें नीचे फाइबर लगाया होता है, लेकिन साउंड प्रूफ वो थोड़े टाइम साउंड प्रूफ रहती हैं, उसके बाद वो निकल जाता है, एक प्लास्टर जैसा लगाया होता है, एक दो एमएम का चिपकाया होता है, उससे क्या होता है साउंड नहीं होती है, बर्तनों की आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में साउंड प्रूफ नहीं लेना, सिंपल SS की ले लेना। और फिर इसमें कलर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब एक तो इसमें ग्रेश कलर रहता है,
वही आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कोई आपको स्टेन प्रूफ नहीं मिलेगा, मतलब स्टेन इसमें रहते हैं, थोड़े बहुत स्टेन आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। जैसे आप सामने सिंक देख रहे हो, ये अभी इसको अप्रॉक्स 3 महीने हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेन इसमें आपको देखने को मिलेगा, और हैंडमेड में सबसे ज़्यादा स्टेन देखने को मिलते हैं। तो ये दिक्कत आती है हैंडमेड में, लेकिन जो हमारा प्रेस्ड होता है हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें स्टेन नहीं दिखते, क्योंकि वो फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो आपका खर्चा पड़ेगा, डबल बाउल, सिंगल बाउल अगर 304 ग्रेड लेते हो, एक अच्छी कंपनी का आपको मिल जाएगा प्रेस्टीज, हमें कंपनी आगे बात करने वाला हूँ, डिस्क्लोज करने वाला हूँ आपको, 2500 से स्टार्ट हो जाता है 304 ग्रेड, और आपका ये 3500-4000 तक जाता है, कौन सा 304 ग्रेड। और डबल बाउल में 304 ग्रेड हैंडमेड में आपका अगर हम बात करें, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा अप्रोक्स अच्छी जो 7000 से 8-10 हज़ार तक आपको एक अच्छा ब्रांड का मिल जाएगा सिंक। फिर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, मेन आज मुद्दे पे आगे क्वार्ट्ज पे, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपको, जिस कलर का आपका काउंटर है उस कलर का आपको ये मिलेगा, देखने में प्रीमियम लुक मिलती है आपको। और इसका एक दो मेरे को ख़राब चीज़ें लगी, एक तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है इसका कंपेयर्ड उससे, 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा रहेगा किससे, जो हम डबल बाउल लेंगे 304 ग्रेड की, अगर वो हमें मिल रही है 7-8 हज़ार की, ये आपको मिलेगी 12-13 हज़ार रुपये की देखने को मिलती है, थोड़ी कॉस्टली रहती है। दूसरी चीज़ इसमें ख़राब है कि ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसकी, क्योंकि ये बनी है क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी है, तो अगर ज़ोर से कुछ बर्तन गिरता है तो चांस रहते हैं कि लीकेज ब्रेकेज के चांसेस हो जाएं। अगली चीज़ इसमें ख़राब चीज़ ये है कि इसका कलर फेड हो जाता है, अगर डार्क कलर कोई लिया है, ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर, थोड़े टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका कलर उड़ रहा है, थोड़ा लाइटिश कलर हो जाता है, फेड होने लग पड़ता है। ईजी टू क्लीन होती है, क्लीन करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि पूरी साफ़ सी होती है ये, क्योंकि और इसमें कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे बर्तनों की आवाज़ रहती है तो इस सिंक में आवाज़ देखने को भी कम मिलती है। तो अगर आपका ऑप्शन है एक प्रीमियम लुक के साथ जाने के लिए कि वो दिखे भी अच्छी और कलर भी मैच हो जाए, तो आप क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है, क्वार्ट्ज काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आपको देखने को आएगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू तरीके से बनाई है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर आपका बजट ज़्यादा है, कलर ऑप्शन आपको चाहिए, आपको चाहिए कि अच्छे से क्लीन हो जाए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो क्वार्ट्ज। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या है, एक तो रेंज ठीक है, ठीक रेंज में आपको मिल जाएगी, उसमें भी आपको कलर कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेंज एक अच्छे, पैसे थोड़े कम लगेंगे, काम अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी अच्छी लगती है, कोई ख़राब नहीं लगती है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन आप जब भी स्टेनलेस स्टील लगाओ, वो आप मेरे ख्याल में टॉप माउंटेड रखना, थोड़ा ठीक रहता है, लीकेज के चांसेस कम होते हैं। अगर अंडर माउंटेड रख रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर ठेकेदार को बोलना है कि सीपे लीकेज के चांसेस जीरो होने चाहिए, ये गारंटी तुमने अपने देखे जानी। देखो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये आती है आपको 25x18 इंच की या 16 इंच की मिल जाएगी, आपको 27x16x18 मिल जाएगी, 30x16x18, 33x16x18, 36x16x18, फिर 48x45, हर साइज में आपको मिलती है। जब भी आप काउंटर बनाओ तभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने साइज़ की आपकी लगानी है, क्योंकि मिस्त्री आपके पीछे पड़ जाएगा, बताइए आपको कौन सी लगानी है, उसी हिसाब से वो जगह उसमें रखता है काउंटर में, तो आपको पहले ही चूज़ कर लेनी है। एक बड़ा प्रॉपर साइज़ रखिए, मेरे ख्याल में 37x18 की अच्छी साइज़ है, 37x18 या 45x18 अगर बड़ी सी चाहिए, तो ये इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, वो आप जगह रखवा लो और फिक्स करवा लो, और उसको बोलना अंडर माउंटेड, मतलब अंडर माउंटेड अच्छी दिखती है क्योंकि सफाई करने में अच्छा रहता है, लेकिन उसको बोलना लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये पहले उसको मैंशन कर लेना। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो मटीरियल यूज़ होता है वो होता है प्लाईवुड, क्योंकि हमें प्लाई उसमें यूज़ करनी है, अगर एरी गैरी हम प्लाई यूज़ कर देंगे तो दूसरे दिन फूल जाएगी, उसका काम क्या है, तो आपको प्लाईवुड जो यूज़ करनी है वो होनी चाहिए आईएस ग्रेड, जो 710 ग्रेड रहता है, प्लाई में भी ग्रेड रहते हैं, 710 ग्रेड आपको ले लेना है, मेरीन प्लाई रहती है वो, उसमें गर्म पानी लगे ठंडा पानी लगे वो फूलती नहीं, ख़राब नहीं होती, और 20 से 21 साल की गारंटी देती है कंपनी, मतलब 20 से 21 साल के बीच अगर आपकी प्लाई को कुछ होता है तो कंपनी वो रिप्लेस करके देगी बिना पूछे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ब्रांड कौन कौन से आते हैं, इसमें ब्रांड काफ़ी मिलेंगे आपको, ग्रीन प्लाई का और सेंचुरी का, मैं दो प्रेफर करूंगा, एक सस्ते इंडियन अच्छे ब्रांड ग्रीन प्लाई के साथ जाओ, या आप सेंचुरी ब्रांड के साथ जाओ, ये आपको 3500 से 3600 के बीच में ये बोर्ड मिल जाएगा आपको, ये बोर्ड आता है जो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, और IS 710 ग्रेड आप देख लेना ये चीज़, और 20 से 21 साल की गारंटी देते हैं, गारंटी कार्ड आपको ले लेना है।
ये क्लियर हो गया। फिर आता है इसका नेक्स्ट जो चीज होती है वो होता है बाइट माइका यूज करते हैं। माइका इसके लिए शीट ही बोलते हैं जो जो अंदर में हमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बोर्ड हम लगाने जा रहे हैं, एक अच्छी किचन बनाने जा रहे हैं, तो उसको अंदर से भी आपको बोर्ड लगाना है। काफी लोग नहीं लगाते, पेंट कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अच्छा काम नहीं है। आपको उसको वाइट माइका आपको यूज करना है, उसमें जो शीट आती है माइका की वो आपको 500 से 600 रुपए में मिलेगी। वो एप्को की मिल जाएगी, सेंचुरी की मिल जाएगी, या आपको ग्रीन प्लाई की किसी की भी मिल जाएगी, दोनों में से। तो 500 से 600 रुपए में वो वाइट माइका मिल जाएगा आपको, वो आपको यूज करना है। ये हमारा हो गया अंदर के लिए जो माइका हम यूज करते हैं, शीट यूज करते हैं। देखो देखो जो बाहर में आती है वो अर्कली की भी आती है, उसमें आपको 4 से 5 हज़ार रुपए की शीट जाएगी। इतने महंगे जाने की जरूरत नहीं है। हाई ग्लॉस में आपको एप्को की हो गई, मरीनो की हो गई, वो आपको 1200 से 2200 रुपए में वो शीट आपको मिल जाएगी। वो यूज करिए, काफी अच्छा वो डिसेंट रॉयल लुक देती है। जब लाइट ऑन होती है तो काफी अच्छा दिखता है। उसमें कलर कोई भी चूज कर सकते हो, हाई ग्लॉस में वो कलर आपके लिए आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, वो होती है हमारा ड्रॉअर सिस्टम और जो बास्केट रहती है उसमें आप SS जाली स्टेनलेस के में भी जा सकते हो, फिर इनोटेक या टैंडम में आप जा सकते हो, दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। देखो जैसे मैंने पहले बताया, SS का थोड़ा सस्ता पड़ता है, इनोटेक का थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप मिक्स भी कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। कुछ इनोटेक का यूज़ कर लीजिए, कुछ आप SS का यूज़ कर लीजिए। जब SS का यूज़ करोगे आपको गोदरेज मिल जाएगा, ग्रीफ्री मिल जाएगा। उसमें आपको मेन चीज़ देखनी होती है वो ग्रेड जो देखना है आपको, 202 ग्रेड नहीं लेने, 304 ग्रेड आपको उसके लिए चूज़ करना है, और एंटी रस्ट मटेरियल ही यूज करना है कि बाद में उसको रस्ट नहीं लग जाए, ये चीज उससे आपको पहले क्लियर कर लेनी है। और इनोटेक एवरशाइन के, गोदरेज के, एफले के किसी में भी आप जा सकते हो, तो टैंडम उसमें भी यूज कर सकते हो। तो ये ड्रॉअर सिस्टम जो रहते हैं ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे 1500 रुपए से आपका 3500 के बीच में, सब मिल जाएंगे। किसमें आपको गोदरेज में मिल जाएंगे, आपको फ्री उसमें SS में मिल जाएंगे। इनोटेक थोड़े महंगे आते हैं, वो आपको 3000 से 4500 में भी मिल जाते हैं अच्छी कंपनी के। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मेरे ख्याल में 15 से 16 आइटम से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किचन में, तो इससे ज़्यादा लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन से आपको चाहिए, एक मॉडल किचन पर अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यूज़ पड़ती है हमारी चैनल, जो चैनल होते हैं सॉफ्ट क्लोज आपको यूज़ करने हैं। सॉफ्ट क्लोज में आप हिंदवेयर के साथ जाओ, काफ़ी अच्छे और सस्ते उसके चैनल रहते हैं। आपको सॉफ्ट क्लोज जो 600 से 700 रुपये मिल जाएगा, बिना सॉफ्ट क्लोज के आपको लेना है तो वो 300 से 350 में, बिना सॉफ्ट क्लोज के भी ले सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज वो जो होते हैं वो नाम के सॉफ्ट क्लोज है, इतनी अच्छी वो नहीं देते। जैसे आप कहो कि जो इनोटेक के सॉफ्ट क्लोज आते हैं वो अच्छे से बंद हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बाहर से जो ओपन सॉफ्ट क्लोज लोग साइड वाले बोल रहा हूँ, अंडर भी आते हैं साइड वाले जो बोल रहा हूँ, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करते। तो मेरे ख्याल में आपको एक सेट जो आता है हिंदवेयर का बिना सॉफ्ट क्लोज वाला वो ले लेना चाहिए, और उसको आप आगे लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहती है हिंजिस, और हिंजिस जिन्हें हम बोलते हैं डड्डू गब्जे जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें जैसे आप बंद करोगे छोड़ोगे वो अपना हो जाएंगे सॉफ्ट क्लोज वाले। तो वो सॉफ्ट क्लोज आप हिंदवेयर के, हैफले के, गोदरेज के किसी के भी लो, सबके अच्छे हैं। बस उसमें भी आपको देखना है कि स्टील कैसा है, और 0 डिग्री वाले हम आपको हमेशा लेने, और इनकी जो रेंज रहती है 200 से 400 रुपए में आपको मिल जाएंगे, मतलब 200-250 रुपए का आपको एक पीस मिल जाएगा डड्डू गब्जे का, वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपको लेना है हैंडल्स, जो आप सामने देख रहे हो हैंडल्स, जो आप कीवी कंपनी के लीजिए, फीजी के आते हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, जिसके भी हैंडल लेने जाओगे आपको जो हैंडल लगाने हैं वो आपको 10 से 12 इंच के बीच के लगाओ, काफ़ी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हैंडल कैबिनेट में लगेगा उतना अच्छा दिखता है। तो वो आपको 300 से 400 रुपए में एक पीस मिल जाएगा, वो स्टील का क्रोम फिनिश में लीजिए, कोई भी माइका प्लेन फिनिश में लगा रहे हो उसमें क्रोम लगाइए, काफ़ी अच्छा देखने को वो मिल जाता है। तो 300 से 400 रुपए में आपको मिल जाएगा। लिफ्ट अप सिस्टम काफ़ी लोग लगाते हैं, जो आपने देखा होगा जैसे गाड़ी की डिक्की खुलती है वैसे ही ये लिफ्ट अप सिस्टम रहता है जिसमें सिलेंड्रिकल रहता है, तो इसको जो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता, लेकिन ये वर्क काफ़ी कम करता है, मतलब थोड़े टाइम बाद ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, डस्ट घुस जाती है जब, तो मेरे ख्याल में इसको लगाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप लगा सकते हो। हैफले का आपको मिल जाएगा 400 से 500 रुपए में वो मिल जाता है, तो वो यूज करिए, सिंगल वाला यूज करिए, वो काफी अच्छा रहता है। बात करते हैं एज टकरे जिन्हें बोलते हैं हम, एज बेंडिंग जो बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो जो आपका पल्ला खुलेगा उसके एज जो रहते हैं उन पे अगर टकरे मतलब एज बेंडिंग लगी होगी काफी अच्छी देखने को मिलती है। जिस हिसाब का माइक है वैसे आप मार्केट से बाई कर सकते हो, खुद से लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप यूज करना हीटेक्स यूज करना लगाने के लिए, तो वो रुका रहेगा। तो ये बेसिक मटेरियल होता है, यही मटेरियल मोस्टली यूज किया जाता है, बाकी जो मटेरियल बेसिक रहेगा, अगर हार्डवेयर का जो मटेरियल
आपको चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, वो मैं अलग से लेऊंगा। हार्डवेयर का मटेरियल कौन सा कितने का आएगा वो अलग से बात करेंगे। अभी बात करते हैं कैसे आप खर्चा कम कर सकते हो अपने किचन को बनाने में। ये मटेरियल आपको पता चल गया। देखो खर्चा कहाँ कम होता है, खर्चा कम होता है जो हम कैबिनेट्स बनाते हैं वो मिक्सअप करने हमें, हमें ये नहीं है कि सब कैबिनेट हमें मिरर वाले बना दिए या बंद वाले बना दिए। आपको क्या करना है, एक एक दो मिरर वाला बना दो, बाकी आपके बंद वाले कैबिनेट और ओपन कैबिनेट रखो। ओपन कैबिनेट के काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम हो जाता है, मतलब 50% खर्चा बच सकता है ओपन कैबिनेट का। तो मिक्स आपको करना है ओपन मिरर और जो ओपन वाला, तो इस हिसाब से डिज़ाइन करवानी है आपको, क्योंकि डिज़ाइन पे सब खर्चा होता है। तो आपको डिज़ाइन करवा लेनी है अपनी किचन। और अगर हम बात करें जैसे खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, टैंडम जो इनोटेक चैनल रहते हैं, इनोटेक सिस्टम रहता है, उसमें अगर आप बनाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। आप SS का यूज़ करिए, SS का सिर्फ आप चाहते हो कि थोड़ा प्रीमियम लुक भी मिले, तो SS और इनोटेक के साथ जाइए, फिर आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और लिफ्टअप जैसे मैंने बताया, एक तो ख़राब हो जाता है और महंगा होता है, आप लिफ्टअप मत लगाइए, ये सब चीज़ें देनी है। और बोर्ड माइका ये सब चीज़ें अगर आप अच्छी कंपनी का लगाते हो तो और बजट में, तो आपके खर्चा कम हो जाता है। नेक्स्ट जो बात मैं करने वाला था कि खर्चा कितना पड़ता है किचन को बनाने के लिए, तो अगर हम बात करें वो डिपेंड होता है हमारा किस पे, वो डिपेंड होता है हमारी शेप किस हिसाब से। आपका साइज कुछ भी आपके किचन का 8x10 की है, 10x10 की है, या 5x6x20 की है, कोई भी साइज़ है, लेकिन उसके जो कैबिनेट आप किस हिसाब से डिज़ाइन करते हो उस पर डिपेंड होता है। अगर मैं लेबर रेट की बात करूँ, बाहर लेबर रेट का क्या होता है, जो आपके कैबिनेट बनते हैं नीचे या ऊपर, देखिए अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट, तो उनको मेज़र किया जाता है बाहर बाहर से। वो अगर 2-3 फुट हाइट है और 10 फीट लंबा है, तो 30 फीट हुआ, 30 × आपको 350 रुपया कर लेना है, तो वो आपका लेबर रेट निकलेगा। और वैसे अगर आपको मटेरियल रेट निकालना है उसमें, तो 200 से 250 रुपया एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन कर देना है। मतलब छोटी से छोटी किचन बनाने जाओगे, सिर्फ कारपेंटर का काम का अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो लेबर प्लस मटेरियल आपका 1 लाख रुपया पकड़ के चलिए मिनिमम, कम से कम ये लगेगा आप एक सेमी मॉड्यूलर किचन आप बनाने जाते हो। तो इस तरीके से खर्चा डिसाइड किया जाता है। अगर इसमें और कुछ नया नॉलेज आपको ऐड ऑन करना है, कुछ और चाहिए, तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस।